हेलो भाई, आपको बिग थ्री के अंदर सबसे बढ़िया एनिमे कौन सा लगता है? नारुतो भाई, नारुतो। नारुतो? नारुतो, नारुतो भाई, नारुतो। भाई सच्ची सच्ची बताइए भाई, बिग थ्री के अंदर सबसे बढ़िया एनिमे आपको कौन सा लगता है? ऑब्वियसली वन पीस। वन पीस? हाँ, वन पीस। और भी तो एनिमे है, और उसके बाद अगर कोई चूज करना हो तो कौन? नारुतो। मतलब यार, ब्लीच ने क्या गलती किया यार? ब्लीच बिग थ्री में सबसे बढ़िया तीन तीन एनिमे है, कौन सा अच्छा लगता है? बिग थ्री ऑब्वियसली वन पीस अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। व्हाट अबाउट ब्लीच? ब्लीच? ब्लीच कोई एनिमे है क्या? कुछ नहीं बोलना है मेरे को, कुछ बोलना नहीं है। सारे के सारे वन पीस एंड नारुतो के चोमरे, ब्लीच भी एग्जिस्ट करता है, कुछ समझाओ इनको यार। हाँ यार, सच में कोई बात नहीं करता है अबाउट ब्लीच, बहुत अंडररेटेड है वीक थ्री के अंदर, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद भी नहीं बात करता था, आई नो राइट। मेरा वीक थ्री के अंदर फर्स्ट एवर एनिमे था नारुतो, मुझे अभी भी याद है। एकदम से नारुतो देखने के बाद मेरा लाइफ नारुतो नारुतो हो गया था। नारुतो देखने के 8 महीने बाद मैंने वन पीस देखा, वन पीस कंप्लीट किया। वन पीस और नारुतो का पागल था, सच बताओ तो अभी भी हूँ। फिर मैंने सुना कि ब्लीच रिटर्न कर रहा है बहुत ही ज्यादा टाइम बाद। फिर इसकी हाइप चल रही थी, आसपास देखने को मिला कि सब लोग हाइप दिखा रहा है ब्लीच के लिए। और ये देखने के बाद एज ए कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, एनिमे फैन नहीं, मेरे को लगा कि नहीं भाई, मेरे को देखना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो शीडियो बना पाऊंगा, बातचीत कर पाऊंगा, नहीं तो ये आएगी ट्रेंड पे चलेगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट किया कि मैं ब्लीच शुरू कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ है। उसके बाद कमेंट सेक्शन भाई, सब लोग बोल रहे देख भाई तूने अभी तक ब्लीच नहीं देखा, व्हाट द फक मैन, ब्लीच देख 110% वर्थ है। सब लोगों का रिएक्शन देख के मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लीच। बंकाई और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, उन लोग ऑलरेडी पता है मैं इतने टाइम ब्लीच देख रहा था। एंड 2 दिन पहले मैंने अपना ब्लीच जर्नी खत्म किया, एंड मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट ब्लीच, बिकॉज कल या परसों के अंदर ही आने वाला है ब्लीच। 10 साल बाद ब्लीच रिटर्न कर रहा है मेरे भाई। चलो मैंने रीजन बता दिया देखने का, अभी जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद थोड़ा स्टोरी बोलूंगा, एंड फिर जाके अपना फुल रिव्यू एंड ओपिनियन शेयर करूंगा। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। इज आवर मेन कैरेक्टर ऑफ ब्लीच, एंड इसका नाम है कुरोसाकी इचिगो। ये कैरेक्टर भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जब इस कैरेक्टर को तुम लोग देखोगे, इसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है बहुत ही ज्यादा फारो है, बहुत ही ज्यादा मस्त लगा मेरे को। हर एक आर्क के अंदर इसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद एक और कैरेक्टर है, एंड हर नेम इज कुछ की रुकिया, एंड इस मैडम को हम लोग फर्स्ट एपिसोड पे देखने वाले हैं। ये कैरेक्टर भी बहुत ही सही लगने वाला है तुम लोग। एंड उसके बाद एक और फीमेल कैरेक्टर है, एंड हर नेम इज इनोए। एंड ये वाली जो कैरेक्टर है ना, आहा भाई साहब, इनोसेंट लेवल इनफिनिटी। इतनी इनोसेंट कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखी भाई, और इसको तुम फीमेल लीड कैरेक्टर बोल सकते हो। और ये तीन कैरेक्टर के साथ साथ ये है इचिगोस फैमिली, एंड ये जो फैमिली है ना भाई, काफी वियर्ड है ब्रो, वियर्ड नहीं बोल सकते, बहुत मस्त है यार। इनका बॉन्डिंग देख के मेरे को WWE की जो पुराने दिन है ना, उनकी याद आ जाती है। यहाँ पर मैंने बेसिक कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया तुम लोगों को, एंड बाकी और भी बहुत खतरनाक कैरेक्टर्स आते हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग जब देखोगे, स्टार्ट करोगे यार, तब फील के साथ वो कैरेक्टर्स को देखो। अभी बता दूंगा तो यार मजा नहीं आएगा। और उराहरा नाम का एक कैरेक्टर है भाई, जब उसकी एंट्री होगी ना मजा आएगा, एंड उसका जो स्वैग है ना काफी अलग है, स्वैग में मजा है भाई। और एक कैरेक्टर है जो तुम्हारे एकदम दिल को तहस नहस करने वाली है, एंड हर नेम इज मात्सुमोतो। रीजन बता दिया, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन खत्म, अभी बात करते अबाउट स्टोरी। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है इचिगो, वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक स्टूडेंट है, हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट बोल सकते हो, नॉर्मली सब कुछ करता है, नॉर्मल लाइफ लीड करता है। बट एक छोटी सी ट्विस्ट है, जो ऑब्वियसली कोई स्पॉइलर नहीं है, वो घोस्ट देख सकता है, वो भूत देख सकता है, आसपास जितने स्पिरिट्स है वो देख सकता है, उसकी एबिलिटी बोल सकते हो बचपन से, और ये बाद में जाके तुम लोगों का दिमाग हिलाने वाला है। तो बेसिकली उसके आसपास जितने स्पिरिट्स है वो सबको देख सकता है, अच्छे बुरे दोनों देख सकता है। और इस एनिमे के अंदर हॉलोस है, जैसे डीमन स्लेयर के अंदर डीमन्स है, टोक्यो गोल के
के अंदर गोल्स है, वैसे इस एनिमे के अंदर होलोस है, तो ऑब्वियसली खतरनाक है। होलोस जब वो नॉर्मली हमला करते हैं, पिलंपाल करते हैं, तो ऐसे एक दिन होलो आ जाता है बीच में हमला करने के लिए। यहाँ पर जो हमारा इचिगो है वो तो ऑब्वियसली स्पिरिट्स को देख सकते हैं, बट वो पावरफुल नहीं है कि होलोस के अगेंस्ट वो फाइट करेगा। तो होलोस आने के बाद पिलंपाल कर रहा था एंड सडनली एक कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड हर नेम इज कुचिकिरो, की ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया। वो आके होलो को एकदम मार देती है एंड इचिगो शॉक हो जाता है कि भाई ये लड़की कौन है छोटी सी, इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। और वहां पर रोकिया शॉक हो जाती है, इसने मेरे को कैसे देखा। बस रोकिया इज शिनिगामी। तुम लोगों ने अगर डेथ नोट देखा है तो तुम लोगों को पता है शिनिगामी क्या होता है। और शिनिगामी जो होता है उनको नॉर्मल ह्यूमन देख नहीं सकते, बट हमारा जो इचिगो है उसने देख लिया एंड रुकिया हो गई शॉक। और यही से स्टोरी स्टार्ट होती है। एक नॉर्मल कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना बढ़िया होता है जो तुम्हारा दिमाग एकदम हिला देगा। तुम जितना देखोगे उतना सीक्रेट्स रिवील होगा। होलोस कहां से आए, शिनिगामी क्या है, शिनिगामी कहां से आए, उनका एक अलग दुनिया है जिसका नाम है सोल सिटी, उसके बारे में तुम लोगों को पता चलेगा। बढ़िया सा एक वार होगा और बहुत सारे खतरनाक विलेन, और एक ऐसा विलेन है जिसको देखने के बाद तुम्हारी फट जाएगी। और इस विलेन का नाम मैं नहीं लूंगा, इवन मैं उसका फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज नाम और फोटो दिखा दूंगा तो खतरनाक स्पॉइलर, जर्नी खत्म। बिकॉज जब उसकी एंट्री हुई, जब उसको मैंने देखा, इतना बड़ा प्लॉट था कि मेरा दिमाग फट गया। मैंने बोला ये विलेन है, द फक, कैसे राइटर ने मेरी मार ली भाई। और जो वार आर्क है ना इसका, वो इतना खतरनाक है, इतना बढ़िया है कि भाई तुमको मजा सा आ जाएगा। और ब्लीच के फाइट्स के बारे में मैं क्या बोलूं भाई, मतलब ब्लीच की जो फाइट्स हैं मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपना पर्सनल टेस्ट बता रहा हूँ। बिग थ्री के अंदर जितने फाइट्स हैं उनमें से मेरे को ब्लीच का फाइट अच्छा लगा। फाइट के अंदर प्लॉट्स है मेरे भाई, फाइट देख के मजा आता है। आई डोंट नो ये वीडियो देखने के बाद कितने लोग यार ब्लीच देखना स्टार्ट करेंगे, बट अगर जो भी करोगे बस एक वर्ड यहाँ पर याद रखना, Bankai is not just a word bro, ये घुसबम देता है मेरे भाई। ब्लीच फैंस को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बस 2-3 दिन पहले खत्म किया और मैं वीडियो शेड्यूल सब कुछ बना चना के एकदम से 2-3 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ काम नहीं है तो तुम लोग आराम से खत्म कर दोगे। ब्लीच के अंदर 360 अराउंड कुछ एपिसोड है, 360-365, और इसके अंदर बहुत सारे फिलर्स है। अगर तुम लोग सारे फिलर्स को स्किप कर दोगे तो ओनली 170-180 एपिसोड बचता है शायद। ट्रस्ट मी मेरे भाई, ये जर्नी तुम्हारे लिए खतरनाक होने वाला है। अगर तुमने नहीं देखा तो अपने भाई की रिकमेंडेशन पे ये देख सकते हो। अगर तुमने नारुतो वन पीस दोनों खत्म कर लिया एंड ब्लीच नहीं देखा है तो इट्स वेरी गुड टाइम, बिकॉज 10 साल बाद रिटर्न कर रहा है और ये भाई मचाने वाला है। ब्लीच के बारे में एक और चीज मेरे को बढ़िया लगा, वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरे भाई क्या BGM है, मैं ये वीडियो में यूज करता बट कॉपीराइट आ जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा, सुकून मिल जाती है BGM यार। ऐसे ऐसे मोमेंट पे ऐसे ऐसे BGM है ना भाई, दिल को एकदम टच कर लेता है। यहाँ पर जिन लोगों ने ब्लीच नहीं देखा उन लोगों के लिए मैंने अपने देखने का रीजन बता दिया, कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, स्टोरी भी शेयर कर दी, इवन थोड़ा ओवरव्यू भी दे दिया। अभी तुम्हारा काम खत्म, जाके ब्लीच स्टार्ट करो। अभी मैं आगे जो बोलने वाला हूँ उसके अंदर कुछ स्पॉयलर्स हो सकता है, अगर देखने का मन करे तो देख सकते हो, बट या लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने यहाँ पर ब्लीच खत्म कर लिया। अभी तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। ऑब्वियसली MC सबका फेवरेट है, वी नो राइट, सबको पता है, बट MC को साइड में रखे तो मैं 2 कैरेक्टर को पिक करूंगा जो मेरा पर्सनल बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। याकुया बहुत ही मस्त है, स्वैग है यार उसके अंदर, स्वैग है, हैंडसम है लौंडा यार। टाइम स्किप के बाद तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। एंड उसके बाद तारा की केनपच्ची, क्या फारू है भाई, उसको कैरेक्टर में डाल नहीं सकते यार, वो अलग ही है, मॉन्स्टर है यार, खतरनाक वाला मॉन्स्टर यार। उसके अंदर कुछ होता नहीं, उसको मारता है, पीलता है, कुछ नहीं होता, वो हंसता है यार, ऐसा लग रहा है कि वो इंजॉय कर रहा है। आई लव द कैरेक्टर ब्रो, केनपच्ची खतरनाक। मैं रिटर्न के अंदर उसका बस देखने वालों कि क्या होता है भाई। और जो कैरेक्टर है गिन, नो वर्ड्स, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, खतरनाक कैरेक्टर, दिल जीत लिया मेरे भाई। तुम लोगों ने अगर ब्लीच देख के रखा है तो यार अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ब्लीच देखा नहीं है, क्या पता तुम्हारे ओपिनियन देखने के बाद यार स्टार्ट कर दे वो लोग। ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो दबाओ लाइक बटन। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने यार अभी तक ब्लीच नहीं देखा तो उसको रिकमेंड करो ये वीडियो, उसको देखना ही चाहिए यार, ये एनिमे बहुत ज्यादा अटेंशन डिजर्व करता है, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है भाई। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटों से बाकी ऑल पे सेट कर दो, मन कर तो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर हर जगह आ सकते हो, बिकॉज तुम्हारा भाई हर जगह है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।